हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर PESSAT के बारे में कि क्या होती है, कैसे किस तरीके से क्या करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्या होगी तो अप्लाई कर सकते हैं, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होगा अप्लाई करने के लिए, क्या क्या सारे प्रोसीजर लगेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ों को देखने होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जितने भी होंगी आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कर लीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया PESSAT के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको किस तरीके से क्या करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या टाइप करना है, PESSAT 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको PESSAT के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो सर्च कर लेना, आपको सर्च करते फर्स्ट वाले लिंक पे यहाँ पर आपको क्लिक करना। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जरूर चेकआउट कीजिए और वहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर डायरेक्टली आ जाइए। तो अप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप, उस चीज़ के बारे में बताई गई, ये सारी चीज़ें जो बताई गई देख सकते हैं यहाँ पर, एलिजिबिलिटी डेट और पैटर्न सिलेबस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस पेज में देखने मिलेगा। ओके, तो पहले तो इस फॉर्म को फिल कर देने, जो सामने आपके फॉर्म में आपका नाम क्या, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको टाइप कर लेने। उसके बाद क्या करेंगे आप, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर लेने होंगे। सेलेक्ट योर करंट स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और सिटी कौन सी है आपकी, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 12th डिप्लोमा 10th जो भी हो गया आपके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा अलाउ पे, और यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ई मेल आई डी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे PESSAT के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया कि इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू एग्ज़ाम होता है। ओके, PES यूनिवर्सिटी इसका ये नाम है, पूरा नहीं है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि PESSAT 2022 जो यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम इज कॉमनली नेम इस कौन से नाम से जाना जाता है इसको, PES। तो PES तो ये आपका यही आपका पहले से यहाँ पर बताया गया है, तो ये इतना नाम है, ठीक है। फिर उसके आगे का जो नाम है फुल फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। PES, ठीक है, ये पहले से। फिर SAT का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया, SAT। ओके, क्या बताया गया, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर ये ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू PES यूनिवर्सिटी जो है विल बी ऑर्गेनाइज्ड है PEST एवरी ईयर, इसका जो है हर साल जो होता है कि एडमिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो भी इसके लायक रहते हैं, उनको यहाँ पर जो है अलग अलग कोर्सेज में UG PG कोर्सेज जो रहते हैं सारे डिफरेंस कोर्सेज में अलग अलग, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर इसके मदद से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है, एप्लीकेंट जो भी इसमें एबल हैं, आपका एलिजिबिलिटी मैच होता है, सारी चीज़ें आपको जो एलिजिबल हो पा रहे हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वेरियस कोर्सेज में जैसे कि BTech हुआ, BBA हुआ, BCA हुआ, MTech हुआ, MCA और MBA, और भी आप कुछ जो है कोर्सेस आपके लिए रहेंगे। ऑफिशियली ऑथराइज्ड ऑफ दी PES यूनिवर्सिटी विल बी प्रोवाइड एडमिशन आपको करती है, तो अप्लीकेंट जो भी बच्चे यहाँ पर भी है तो आपको जो है मिल करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू किया गया है ये सेट एलिजिबिलिटी कि आपको जो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा आपको रूल्स बताए गए, तो वो जरूर देखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट इवेंट एंड टेंटेटिव डेट्स देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि BTech कोर्सेज के लिए बताया गया, तो इंपॉर्टेंट इवेंट एंड टेंटेटिव डेट्स क्या है, तो देख सकते हैं कि आपको कैसे देखने हैं। तो डेट ऑफ रिलीजिंग एप्लीकेशन फॉर्म का कभी है, अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर में देखने हैं, अक्टूबर में जिस डेट को रहेगा उस डेट को आपको देखने हैं। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आउटसाइड बेंगलोर का, तो यहाँ पर अप्रैल में है। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन बेंगलोर में है, तो इसका देख सकते हैं अप्रैल में है। डेट ऑफ स्लॉट बुकिंग का यहाँ पर प्रोसेस जो अप्रैल में है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल में, इस तरीके से आपको चेक करनी है। फिर ऐसे अदर कोर्सेज के अलग कोर्सेज जो है वो देख लेते हैं। फिर अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है, तो उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 6 से ज़्यादा एक और यूनिवर्सिटी 7th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है आपको,
तो ये देख सकते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, UPESC यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटीज, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आप फुल फ्लो में एडमिशन चालू, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करो। तो चलिए अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा था कि अप्लीकेशन फॉर्म क्या हो, कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको PESSAT के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है अवेलेबल रहता है, वहीं से आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो फिल करनी पड़ेंगे आपके सारे डिटेल, सारी डिटेल्स ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको क्लिक करके ओपन हो जाएंगे, तो आप जो है ओपन हो जाएंगे न्यू टैब में। ओके, तो वहाँ से आप देख सकेंगे। तो चलिए नो प्रॉब्लम, वहाँ पर अभी ओपन ही हो रहा है, देख सकते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना होगा, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको जा करके अप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, आपको फिल करना है तो। लेकिन उससे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगी। तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते तो उसमें आपके जो है कुछ इन्फॉर्मेशन, सब कैटेगरी, रीजनल्स, मदर टंग क्या है, प्लस डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एग्जाम बोर्ड, स्कोर कार्ड, टेस्ट सेंटर, सब कुछ यहाँ पर जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स करनी पड़ती है। फिर अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगती है, तो फीस देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना 550 लगेंगे किसके लिए, एग्जाम सेंटर फॉर HM कैंपस के लिए, और यहाँ पर ऑल अदर कैंपस के लिए 1050 रुपीज़। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैंपस का ही है। तो फिर आपको पेमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ऑफलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर डिमांड जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं नीचे, तो यहाँ पर ड्राफ्ट बैंक एंड टाइम ऑफ फिलिंग द PESSAT 2020, यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, अप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल। फिर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ओनली इंडियंस जो नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अपेयरिंग अप्लीकेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबल जो होंगे यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ओके, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी इंडियन सिटीजन से रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पर देखते कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, 17 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब PG के लिए यहाँ पर एज लिमिट 20 ईयर। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री कंप्लीटेड आपका होना चाहिए बोर्ड। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए 60%, ओके, 55% जो यहाँ पे मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करनी होगी, एज लिमिट देखनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रही है, PG कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, ये तीनों चीज़ें देखना है तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चीज़ सही है तो आपके लिए परफेक्ट हो रहा है, तो वैसे ही UG के लिए भी वैसे ही आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स की तरफ। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो आपका होगा, ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर देखते हैं 180 मार्क्स का, यहाँ पर 180 मिनट के लिए यहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम में टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ऑफ दी BTEC का, और 120 मिनट्स फॉर अदर कोर्सेज के लिए। लैंग्वेज ऑफ जो एग्ज़ाम का आपका होगा, पब्लिश किया जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया BTEC का कोर्सेज ऑफ 60% फॉर BTEC के लिए एंड 120 मार्क्स जो है अदर कोर्सेज़ के लिए। फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 60% मार्क्स BTEC के लिए, और यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है आपको कितना लिखा है कि एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ 180 मार्क्स यहाँ पर इतने में से, और BTEC के लिए यहाँ पर 60% फॉर BTEC LE के लिए 120, और 120 जो है यहाँ पर आपको इसके लिए अदर कोर्सेज़ के लिए, BTEC के लिए और BTEC LE के लिए 60%, ठीक है, अदर कोर्सेज के लिए 120। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम ओनली सब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय ऑफिशियल थर्ड्स। मार्किंग स्कीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर गिवन इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग स्कीम, ऑफिशियल थर्ड्स विल Not deducted any marks in entrance exam for any answer। तो आपको कोई भी आंसर कर अगर रॉन्ग तो उसका डिडक्ट मार्क्स नहीं किया जाएगा आपके मार्क्स में से। तो BTEC कोर्सेज के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स आप कुछ देख सकते हैं, फिर ऐसे ही आपको दूसरा भी बताएगा, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा सब बताएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्या बताया गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट बताया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, वैसे आपको सब कुछ दे, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते एग्ज़ाम सिलेबस की तरफ। तो एग्ज़ाम सिलेबस इसमें क्या बोला गया है कि आपको जो है आपको क्या क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रिपरेशन करने के लिए, इंग्लिश हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग और अदर जो होते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं प्रिपेयर सिलेबस में से जो यूजी और पीजी कोर्सेस, तो ये कैसे आपको कहाँ से करेंगे आप सिलेबस में जो सारी चीज़ें आएंगी, तो ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाता है। तो वहाँ से आपको जो है आपको सिलेबस पर चेक करने होंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ये प्रिपरेशन टिप्स जो है रिलीज़ किया नहीं जाता, ये मतलब बता रहा हूँ टिप्स को फॉलो करेंगे, इन सारे टिप्स को प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रिपेयर और टाइम टेबल। तो आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप जो है सारी चीज़ों को आपको जो है करने पड़ेंगे मैनेज, ठीक है। जैसे कि आपका कौन से समय पे आपको खाने का है, कौन से समय पे आपको पढ़ने का है, कौन से समय पे आपको सोने का है, कौन से समय पे आपको ब्रेक लेना है, कौन से समय पे आपको एक्सरसाइज करना है, कौन से समय पे आपको जो है प्ले गेम गेम खेलना है, जो भी करना है, तो कौन से समय पे आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है सेट करना पड़ेगा टाइम टेबल बना के, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से जो काम करें। तो प्रिपेयर स्टडी स्ट्रेटजी आपको करने पड़ेंगे, फिर मेक शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट बनाने हैं आपको, माइंड मैप बनाने आने चाहिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर के, तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको करने हैं, ईट हेल्दी फूड खाने हैं आपको, स्लीपी ईयरली है तो जल्दी से सो के उठना है, और डू नॉट निगलेक्ट योर हेल्थ, अपने हेल्थ को जो है ख्याल रखना है और ज़्यादा जो है आपको ख़राब नहीं करना है, तो बीमार नहीं पड़ना आपको। और यहाँ पर आप स्लॉट बुकिंग उसके बाद रिलीज़ हो जाती है, तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है आपको देखने मिलेगी। PES क्या लिखा है, पेस सेट जो है PESSAT के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो मिलेगी। यहाँ पर जैसे नीचे आते हैं क्या लिखा है, एडमिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसका जो भी कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटेड आपका एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट हो जाता है, तो उसके बाद स्लॉट बुकिंग प्रोसेस आर रिक्वेस्टेड की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर इसका डिटेल्स जो आपको मिल जाता है आपको सेक्शन अबाउट PES के ऑफिशियल साइट पर। एडमिट कार्ड रिलीज़ होती है तो आपको कैसे किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे कि आपको PESSAT की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो है क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो रिलीज़ कर दिया जाता है तो वहाँ से आपको जो क्या करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे आपके, और क्या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो सॉरी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना आपको, फिर आप उसका प्रिंटआउट निकाल लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो बोर्ड में जा करके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोला गया है कि आंसर की, तो आंसर की रिलीज़ हो जाती है उसके बाद, ये देख सकते हैं तो आंसर की रिलीज़ होती है, आपको ऑनलाइन मोड से चेक करना होगा। तो ये PESSAT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो चेक करने हैं उसमें आपको कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर राइट है, फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी जाती है PESSAT के ऑफिशियली वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाती है। इसका भी आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको में मिलेगा, और सारे जो है रिज़ल्ट के बताएंगे को आपको अवेलेबल रहेगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है, तो जो भी इसका मेरिट लिस्ट का इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं PESSAT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ओपन होना होगा, तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। फिर काउंसलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंसलिंग जो यहाँ पर आपको PESSAT के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाती है, जो भी इसका मेंशन अबाउट इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं वहीं पे आपको जो मिलेगी, और टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से आपको चेक करने पड़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके लिए रिलीज़ कर दी जाती है, तो किस तरीके से आपको जो क्या करने पड़ेंगे कि आपको 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और क्या बोला गया यहाँ पर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको डाउट होता है, जो कुछ भी इसमें चीज़ इसमें डाउट होता है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए मेरे समझाने में, या फिर कुछ भी जो भी आपको डाउट है, मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसा किस तरीके से, क्या मैं मिस कर दिया, क्या आपको नहीं बताया आपको, तो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो अगर जो भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।